आपका ना नमस्ते एंड वेलकम, दिस इज़ अभिजीत। मैं अभी जा रहा हूँ मोरबे डैम। ये लोकेशन है पनवेल से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स, मैप में दिखा रहा है 45 मिनट्स। ट्रैफिक नहीं रहेगा तो 45 मिनट्स में पहुँच जाओगे, अगर ट्रैफिक के टाइम जा रहे हो तो एक घंटा पकड़ के चलना। मोरबे डैम का पानी नई मुंबई और नावा सेवा के लिए यूज़ होता है और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1999 और कंप्लीट हुआ था 2002। ये डैम बनाने के लिए वहाँ के लोकल 11 विलेज इफेक्ट हुए थे, उनको बाद में शिफ्ट किया गया दूसरा लोकेशन पे। वहाँ पे पहुँचने के लिए पनवेल के बाद एक ही टोल नाका लगता है, मेनली 4-व्हीलर को वहाँ पर टोल है, 2-व्हीलर तो वैसे भी फ्री है। और ज़्यादा लंबा है नहीं पनवेल से, आप इजीली पहुंच जाओगे अगर थोड़ा जल्दी निकले तो। रशहर में थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा पर घंटे भर में आराम से पहुंच जाओगे। डैम का जो लोकेशन है ना, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। जाने के रास्ते में आपको एक चौक करके रेलवे स्टेशन मिलेगा, उसके पास में ही है मोरबे डैम। मेन हाईवे से 10 मिनट में आप पहुँच जाओगे अंदर में। थोड़ा ख़राब पैच लगता है पर ठीक है, बारिश का टाइम है करके मेनली थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। ये देखो लेफ्ट साइड में यही है चौक रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन के यहाँ से ही आपको राइट मारना है। जैसे ही ये स्टेशन क्रॉस होता है ना, फुल ग्रीनरी दिखना चालू हो जाएगा अगर बारिश के टाइम जाते हो तो भी। छोटा छोटा गांव लगेगा बीच बीच में। ये देखो, हम लोग एक्चुअली गेट के अंदर जाने का ट्राई कर रहा था उनको रिक्वेस्ट करके, बट उन्होंने मना किया
परमिशन नहीं है अंदर जाना, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता बताया, वहां से ये डैम पूरा देख सकते हो। अभी हम वहां पे जा रहे हैं, देखो ना राइट साइड में पूरा डैम ही है वो, पर काफी सही लग रहा है यार। बारिश भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो सही लग रहा था। एकदम छोटे छोटे गांव लग रहे हैं बीच बीच में, वहां के गांव के लोकल लोग हैं, उनका लैंग्वेज भी थोड़ा अलग है, मराठी नहीं बोलते ये लोग, थोड़ा सा अलग टाइप का मराठी बोलते हैं। आप वहाँ पे जाओगे ना या उनसे बात करोगे वहाँ पे जाके, तभी आपको फील होगा वो चीज। थोड़ा खराब पैच मिलेगा आपको, ऑफ रोडिंग अगर कर सकते हो तो ही जाना वहाँ पे, नहीं तो बाहर पार्क करके सही रोज अच्छे जगह पे फिर चले जाना, चल के अभी अंदर जा सकते हो। अंदर अंदर तो वैसे काफ़ी है, हम लोग इतना अंदर भी नहीं गए, एक बीच में जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो निकले और निकल गए वहाँ से। ये फर्स्ट लोकेशन था हम लोग का जहाँ पे हम लोग आके रुके। हम लोग मेन डैम के गेट से एंट्री कर रहे थे ना, वहां से दो डॉग्स हमारे पीछे पीछे कंटिन्यू घूम रहे थे। ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है ऊपर जाने के लिए, मतलब वो रास्ता ही वैसा है, बेटर है अगर आप प्रॉपर 4x4 का आपका गाड़ी है तो ही जाओ, अदरवाइज बाइक भी जाना लेके लिए थोड़ा सा रिस्की है, चल के जा सकते हैं, नहीं तो बाहर अच्छी जगह पे पार्क करके। देखो ना अच्छा खासा ऑफ रोडिंग है। ये देखो ना व्यू, देखो ना क्या मस्त है, काफी सही जगह है यार। और हॉट डे में मैं ज़्यादा तो घूमता हूँ, सैटरडे संडे प्रेफर नहीं करता, तो गर्दी भी नहीं है, कोई है नहीं ज़्यादा, तो डर भी लग रहा था इसीलिए ज़्यादा अंदर गया नहीं, क्योंकि जंगल है पूरा अंदर, और पता नहीं है एरिया का कैसा है, एरिया क्या है। अच्छा तो सेंटर पे आ गया और यहाँ से रिटर्न निकलना चालू हुआ। ये अपना घोड़ा भाई, घोड़ा ही है, चढ़ के बैठना पड़ता है इस पर, 6 फुट के नीचे का बंदा ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये बाइक चलाना। ये थोड़ा स्टिफ था इसके लिए बहुत संभल संभल के उतार रहा था, पत्थर भी बड़े बड़े थे, बारिश भी हल्का हल्का हो रहा था। तो थोड़ा लाल लाल दिख रहा रहेगा, तो वो नीचे का मट्टी वैसा था पूरा। देखो ना काफ़ी संभल संभल के चला रहा हूँ, क्योंकि नीचे मट्टी भी है और पत्थर भी बीच में आ जाता है, थोड़ा स्लिपरी भी है बारिश के कारण। ये देखो ना काफ़ी डिफिकल्ट था, तो मज़ा आया। अभी ये
लेफ्ट साइड से थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके ट्राई कर रहा था दिखाने के लिए डैम, तो जो भी कैप्चर हो गया हो गया। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।